जब सभी पांडव स्वर्ग के रास्ते पर जा रहे थे तो सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई, जबकि उसके बाद एक एक करके सभी पांडव मर गए, सिर्फ युधिष्ठिर ही बचे थे। ये प्रश्न आज हर किसी के दिमाग में आता है कि आखिर सबसे पहले द्रौपदी ही क्यों मरी थी, जबकि युधिष्ठिर जीवित ही शरीर के साथ स्वर्ग गए थे। तो आज हम आपको इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देंगे। जिस समय पांडव मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वर्ग की यात्रा पर निकले थे तो उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। पांडवों ने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए सबसे पहले उत्तर की तरफ से यात्रा करना शुरू किया। हिमालय पार करने के बाद जब उन्होंने मेरु पर्वत को पार किया तो थोड़ी देर के बाद द्रौपदी गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया था, फिर उसकी मौत क्यों हुई? इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि वह सभी भाइयों में से अर्जुन से सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, इसलिए द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ। थोड़ी देर आगे चलने के बाद सहदेव भी गिर गए। अब फिर से सहदेव के गिरने का प्रश्न भीम ने युधिष्ठिर से किया तो जवाब में युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव किसी को भी अपने जैसा विद्यमान नहीं समझते थे, इसलिए उनकी मृत्यु हुई। फिर सभी पांडव आगे चल पड़े कि तभी नकुल भी गिर पड़े। भीम के प्रश्न करने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत घमंड था, इसलिए उनकी मौत हो गई। थोड़े समय बाद अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत अभिमान था, इसलिए वो भी गिर पड़े। अब भीम और युधिष्ठिर आगे चलने लगे। थोड़ी देर में भीम भी गिरने लगे और प्रश्न किया तो युधिष्ठिर ने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसी वजह से आज तुम्हें गिरना पड़ रहा है। अब युधिष्ठिर अकेले ही चल रहे थे कि रास्ते में उन्हें देवराज इंद्र लेने आए, तो युधिष्ठिर ने कहा कि उनके भाई और द्रौपदी रास्ते में ही गिर गए हैं, उन्हें भी साथ ले चलिए। इस पर इंद्रदेव बोले कि वे सबसे पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, शरीर त्यागने के बाद वे सीधा स्वर्ग आए हैं, लेकिन आप शरीर के साथ ही स्वर्ग आ रहे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।